क्लास नंबर सेवेंटी वन में हम इनशा सूरत निसा की आयत नंबर फोर्टी फोर से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे इन मिनल किताब भला तुमने उन लोगों को देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया था यानी लोहे महफूज ही का हिस्सा है तोरात भी जुबूर भी इंजील भी और कुरान भी तो अहले किताब जूस और क्रिश्चियंस को उसी किताब में से एक हिस्सा दिया गया उनकी इल्हामी किताब की शक्ल में लेकिन उन्होंने उस किताब की कदर नहीं की यशतरून अब्बल वो गुमराही खरीद रहे हैं वायदू नबील और ये भी चाहते हैं कि तुम्हें भी राह रास्ते हटा दें तुम भी बहक जाओ गुमराही क्या खरीद रहे यानी अपने हाथों से हदायत देकर। इस एतबार से कि उनके पास अपनी किताबों में पैगम्बर आखर वाली वसल्लम से मुतिक प्रोफिस पेश गोइयाँ मौजूद थी बजाय इसके कि वो वक्त के पैगम्बर को वेलकम करते उनको एक्सेप्ट करते सबसे बड़े वो दुश्मन बन गए ज्यूज़ यहूदी और नसरानी भी और उन्होंने अपने हाथ में आई हुई हदायत को देकर गुमराही खरीद ली यानी पैगंबर का इनकार किया नूरुन आला नूर था उनके साथ एक तो उनकी अपनी किताबों में पेश गोइया और दूसरा वो प्रॉफिट पेश गोई की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बन के सामने भी आ गए और चूंकि जिस बिल्ली की दुम कट जाए उसकी ख्वाहिश होती है बाकी बिल्लियों की भी दुम कट जाए ताकि वो नुमाया ना हो तो ना सिर्फ वो खुद गुमराह हुए बल्कि मुसलमानों को भी वो गुमराह करते हैं यानी इस्लाम के करीबी साथियों के दिलों में भी इस किस्म की बातें डालते हैं कि वो भी दीन से मुतनफर हो भी इकुम और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को है मुसलमानों तुम्हें नहीं पता चूंकि इल्म गैब तो नहीं किसी के पास तो अब ये वो यहूदी थे जिन्होंने ऊपर से कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया था कानून वो असहाब भी थे सात नमाजे पढ़ते थे लेकिन अंदर से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे मुसलमानों को तो इस बात का नहीं पता था जाहरी कलमे का एहतराम होता था अगर किसी की बातों से अंदाजा भी हो जाए और कोई समझ ले कि यह इसे कर रहा है और उसको सावे कराम कभी डांटते भी थे तो वो कहता था कि अल्लाह ने तो बदगुमानी से मना किया तुम क्यों बदगुमानी करते हो तुमने मेरा दिल चीर लिया तो फिर तो आप किसी को नहीं कह सकते ऐन मुमकिन है कोई शख्स अपने नफ्स के गलबे से मगलूब होकर या दुनिया की मोहब्बत में या दुनिया के रख रखाओं की वजह राह से राहराज से हट रहा हो असल में वो दीन को एक्सेप्ट करता हो उसमें और जो शख्स वाकई मुनाफिक हो उसमें कोई फर्क तो नहीं कर सकता बगैर अल्लाह के वही की तइद के अब्दुल्लाबन मसूद रजी अल्लाह तुम कहते हैं कि गजब ओहद से पहले अगर मुझे कहता ना कोई कि मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहूं कि रसुल्ला के साथियों में कोई भी दगाबाज और मुनाफिक नहीं है तो मैं कसम उठा लेता लेकिन मैं तो हैरान हो गया कि हम हजार का लश्कर लेके निकले उनमें से तीन सौ अलग हो गए ऐन मैदान जंग में अब वो हजूर के साथ निकले तो थे कलमंग वो थे मुसलमान थे अब्दुल्लाबई की सरकर्दगी में वो निकल आए वह आलमी आदाकुम और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को जानता है कफा बिल्लाम नसीरा और अल्लाह ताला तुम्हारा पुष्ट पना काफी है हमायती काफी है और वही तुम्हारा मददगार है यानी अब यह नहीं है कि अब इन दुश्मनों की टेंशन लेके तो लकीर पीटना शुरू कर दो जिसने आजकल मुसलमान भी कहते हैं ये साजिश कर रहे तो यहूदी क्या करेंगे साजिश नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है फिफ्थ जनरेशन वार हो चुकी है तो भाई यही करेगा ना वो आप इस लकीर को पीटने के बजाय उसके लिए काउंटर नैरेटिव, काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार करें अच्छा हमारी मुसलमानों की आदत है की तो साजिश है, है निशानियां पूरी हो रही ने निशारी, सारी निशानियां पाकिस्तानी पूरी हो गई बाहर के मुफ्त तो सुकून की जिंदगी गुजार रहे ये यह गुर्बत परेशानी सिक्योरिटी रिस्क ये सारी की आमद की निशानियां पाकिस्तान में पूरी होनी क्या पाकिस्तान ची आनी है हम अपनी अहली को छुपाने के लिए अपने इशूज के ऊपर पर्दा डालने के लिए की क्या की निशानियां कह के तो बात टाल देते हैं यहूदियों की साजिश है तो यहूदी तो साजिश करेंगे आपका काम यह है कि उन साजिशों के को आप अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी बना ले अपने लिए यह तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए हक और बातिल की कशमकश रहेगी हर मूसा के मुकाबले पे कोई फिरौन होगा हर हुसैन के मुकाबले पे कोई ना कोई यजीद होगा क्योंकि जब तक प्यास ना हो पानी की कदर नहीं होती तो यह अल्लाह की पार्टी और शैतान की पार्टी ये दोनों पार्टियां हमेशा रहेंगी दीना हादू यहूदियों में से ऐसे लोग भी हैं जो हर रिफून अलकली जो अल्लाह के कलाम को उसके असली जगह से हटा देते हैं यानी उन्होंने अपनी किताबों में भी तारीफ की और एक उनकी जुबान जिसे हम कहते हैं ना अपने पंजाबी लैंग्वेज में पांड जिस ना यानी जान बूझ के बात को बिगाड़ना वह यकूलू ना और वह कहते हैं समयना व असिना हमने बात सुनी और नाफरमानी की कुरान में क्या हुक्म था समा व अपाना कहो समा व अपाना व फराना का व इलाई कल मसीर एहल ईमान को कहा गया तुम्हारी रविशी होनी चाहिए जब भी कोई अल्लाह के नबी अल-इस्लाम तुम्हें हुक्म दे तुम कहो हमने सुना और इतात कबूल कर ली तो साबा इक्राम जब भी रसुल्ला से कोई बात इस तरह की सुनते थे हुक्मन तो कहते थे समय आना हुआ अता आना अल्लाह के नबी हमने सुना और हम आपकी इतात करेंगे अब यहूदी जो कि कलमा गो थे बीच में नमाजें भी साथ पढ़ते थे लेकिन बुजदिल बुजदिल ही मुनाफिक होता है ना वरना तो अबू जाल जो है वो मुनाफिक इसी नहीं था वो बुजदिल नहीं था बहादुर था उसने अपने बादतिल मजहब के लिए भी जान लौटा दी यहूदी जो है ये बुजदिल थे इन्होंने ऊपर ऊपर से इस्लाम के गलबे की वजह से कलमा पढ़ लिया अंदर से साशें करते थे सामने इसलिए नहीं आते थे कि उनको जान का खतरा था तो फिर ये जब इस तरह टोलियों की शक्ल में बैठे होते थे अल्लाह के इस्लाम कोई हुक्म दे रहे हैं तो ये आपस में एक दूसरे के साथ ना वो जुगतबाजी करते थे यानी नबीलाम ने जब कोई बात की बाकी साहबा तो कह रहे होते थे समय अब इनका दिल करता था कि ये कहें वो तो उनको अल्लाह का पैगंबर नहीं मानते थे वो तो नउज बिल्ला कहते थे ये झूठा है क्या क्या नाम रखे कुरान में आए मजनून है शायर है इससे परेशान ख्वाब आते हैं नउूसुबिल्ला तो वो अपना गुस्सा निकालने के लिए वो बैठे बैठे कहते थे समेना असैना यानी पहला लफ्ज वही बोला और दूसरा लफ्ज औताना की बजाय असैना बोल दिया अब किसी ने अगर सुन लिया कि यार ये क्या बकवास कर रहे हो तुम तो वो कहेगा भी अपने कान का इलाज कराओ मैंने समेना अताना का है वो पहला लफ्ज तो कॉमन है ना तो फिर सारे है कुछ शरीफ आदमी हुई है कि यार हो सकता है मुझे सुनने में कोई फर्क लग गया हो लेकिन वो ये अल्लाह तरफ माता ही उनकी आदत थी वो करते थे और साथ क्या कहते थे वस्मा गईरा मुस्मा वो कहता था कि सुनो ये बात ऊंची कहते थे कि रसुल्ला का हुक्म सुनो और साथ ही कहते थे तुम्हें तो कोई ना सुने ये आस्था आवाज में वो कहते थे रसुल्ला सुन को बाकियों के सामने वो कह रहे हैं सुनो सुनो सुनोर क्या कह रहे हैं और साथ आवाज में कहते थे इसकी बात कोई ना सुने इस तरह ही करते थे वॉयना और राएना भी कहते थे ये सूरतुल बकरा में आया है। का मतलब होता है हमारी रियायत कीजिए यानी साब कराम को जब बात आप इस्लाम की समझ नहीं आती थी ना तो वो रिक्वेस्ट करते थे जिस तरह वो हम कहते हैं ना मुकर्र यानी बात दोबारा करें तो इसको अरबी में वो कहते रॉयना या रसूल या रसुल्ला हमारी रियायत करें हमें समझ नहीं आई तो अभी कितना सुस्टिकेटेड वर्ड था हमारा ख्याल रखते हुए एक दफा बात दोबारा करते हैं अब यहूदी इस लफ्ज़ को बिगाड़ के राई ना पढ़ते थे उसका मतलब है ए हमारे चरवाहे नाउद साहबा तो यह नहीं कह रहे होते थे यहूदी वो इस तरह अल्फाज को बदल के तो अपना गुस्सा निकालते थे तो अल्लाह तला ने सूरतुल बकरा में हुक्म नाजिल हुआ कि तुम कहा करो जुर्ना यादीना आ मनू ला तक रुम रईना कहना ही छोड़ दो वकुलना और यूं कहा करो यारसुल्ला हमारा इंतजार फरमाए हम पर नजर करम फरमाए जरा बात अपनी दोबारा इर्शाद फरमाते अच्छा अब पॉइंट नोट करने का यह है कि सहाबा तो इस लफ्ज़ को बिगाड़ते भी नहीं थे लेकिन फिर भी अल्लाह ने मना कर दिया कि आप इस्लाम को इस तरह मुखातिब ना करें उन वो तो कर रहे हैं उनका तो बकवास को रोक नहीं सकता ना लेकिन आप इस्लाम को जब आप बुला रहे हो ना तो आप लोग ये ना कहा करें आप कह दिया करें उन जुर्ना या रसूल अल्लाह और इसका क्लाइमैक्स सूर अल हजरात में चल के आएगा वहां पर तो अल्लाह तरमाया ला तरफाउ असवाकुम फो का सऊत नबी अपनी आवाज़ को भी रसुल्ला की आवाज़ से तुमने बुलंद नहीं करना वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी यानी तोबा की तोफीक भी नहीं मिलेगी खबर हो जाए तो बंदा तोबा कर लेता है और यह आयत हजरत अबू बकर उमर के बारे में नाजिल हुई सही बुखारी में इसका शान नजूल मौजूद है कि एक दफ़ा नबीलाम की खिदमत में एक न्यू मुस्लिम काफिला आया एक कबीला आया तो नबी इस्लाम की मुबारक आदत थी कि उनमें से किसी एक को ना उनका अमीर मुकर करते थे ताकि मुस्तबिल में जब कभी भी कम्युनिकेशन करनी हो तो सिर्फ अमीर को बताया जाए वो अपने कबीले को बता देगा ज़ाहिर कबायली सिस्टम था तो हज़रत तो बकर ने मशवरा दिया यारसल्ला आप फलां शख्स को अगर मुकर कर देना तो यह ज्यादा सूटेबल बंदा है तो सईद उमर ने अर्ज किया अल्लाह कि नबीसम ये बंदा ठीक नहीं आप इसको करें तो इस पर बशरी तके के तहत हज़रत अबूबकर उमर का आपस में इख्तलाफ हो गया हज़रत बकर ने कहा कि तुम मैं जब भी कोई मशुरा दूं तुम जरूर उसके उलट कोई बात तुमने करनी होती है तो अब ये वो आपस में बातें कर रहे हैं नबी इस्लाम की मौजूदगी में हजूर से कोई बदतमीजी नहीं की आपसे कोई जुबान दराजी नहीं की लेकिन अल्लाह ने इस चीज को इतना नापसंद किया कि यह आयात नाजिल कर दी ला तरफाऊकुम फाउ का सऊत नबी ऐमान वालो अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद ना करना आपस में नहीं बुलंद करनी जहां हजूर बैठे हो ना वहां तुमने ऊंची आवाज भी नहीं करनी तो वरना तुम्हारे अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी और यह हदीस जब बुखारी में आती है ना इस हदीस का रावी है अब्दुल्ला इब्न अबी का, ताबई जो कि अब्दुल्ला इबन ज़ुबैर साहबी से रवायत करते हैं और वह कहते हैं कि अल्लाह की कसम करीब था कि इस मखलूक के दो बेहतरीन फर्द बर्बाद हो जाते जब उन्होंने अनजाने में रसुल्ला की खिदमत में अपनी आवाज़ें बुलंद कर दी दो करें और फिर जब ये आयात नाजिल हुई तो उसी बुखारी के हदीस में आता है हज़रत उमर रसुल्ला के सामने इतनी आिस्तः आवाज में बात करते थे कि बात हजूर को आवाज ही नहीं आती थी आप कहते तो उम्र थोड़ा सा तो ऊंचा बोल यानी उस सरगोशी में बात करना इतना डर गए तो फिर अगली आयात नाजिल हुई इन लदीन या गुद्दा रसूल्ला बेशक जो लोग अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं नबीस्म की खिदमत में यही वो लोग हैं जिनके दिलों को हमने तकवे के लिए चुन लिया है इनके लिए मफरत और अजर अजीम है और सर ये जो आयत है ना ये आज भी जाली शरीफ के ऊपर जो आयत लिखी हुई है ना वो यही है यानी रसुल्ला अपनी वफात के बाद भी अपनी कब्र मुबारक में होने के बावजूद उसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह अपनी मुबारक जिंदगी में मस्जिद नब्बी में बैठे हुए थे रसुल्ला की कब्र के पास भी आवाज को बुलंद करना यह गुस्साखी है यह आयत लिख के लगाई हुई है और आप वहां पर शुरूों को देखेंगे जो गैर शरी अफाल कर रहे होते हैं ना हमारे पाकिस्तान इंडिया के लोग कोई कुछ जाली के साथ आग लगाने की कोशिश करता है वो कुछ वो जब उनको मना कर रहे होते हैं ना तो वो अपनी जुबान नहीं खोलते इशारे करते हैं हाथ से उनकी इतनी तरबियत उन्होंने वहां की हुई है कि वो आवाज नहीं बुलंद करने देते यह नबील इस्लाम की रिस्पेक्ट है और फिर उसमें यह भी आया सूरत हुजरात में भी सूरत नूर में भी रसूल्लाम से इस तरह गुफ्तू ना करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे के साथ करते हो यह ना समझ लेना कि मतलब अगर सैयदना अबू बकर जो है वह इस्लाम के सुसर हैं तो सुसर बाप की जगह होता है नहीं और दामाद बेटे की जगह होता है नहीं इसीलिए आप देखें हजरत अबू बकर भी जब हदीस रवायत करेंगे तो क्या कहेंगे काला रसूल सैयद आयशा के हामंद है लेकिन हजरत आयशा जब हदीस रवायत करेंगी तो क्या कहती हैं काला रसूल्लाह सैदा फातमा तो ये कह सकती थी मेरे बाप ने फरमाया लाडली भी थी लेकिन अजरत फातिमा भी जब अदीस रिवायत करती हैं तो काला रसूल यानी नबी इस्लाम का जो ये मनसब रसालत इतना डोमिनेंट है कि जितने आपके दुनियावी रिश्ते भी हैं ना उन रिश्तों की नस्बत से भी कोई शख्स नबी इस्लाम को पुकार नहीं सकता यह आपका प्रोटोकॉल है मोहम्मद वाली मोहम्मद जान के मान पाऊं तो अर्ज करूं अब यह बातें हमने हजूर के फजाइल के लिए तो सिर्फ बयान नहीं करनी इसमें से रिजल्ट भी निकालना अगर नबीस्म की आवाज से आवाज को बुलंद करना गुस्ताखी और कुफर है ख्वा अबू बकर उमर ही करें तो हजूर के फरमान से किसी दूसरे की बात को बुलंद करना उससे बड़ा कुफर है ठीक है यानी अगर मैं आपको बताऊं कुरान में ये लिखा है बुखारी में ये लिखा है और मुस्लिम में ये लिखा है और आप कहें कि दाता साहब ये फरमाते हैं अजमेर शरीफ वाले ये फरमाते हैं तो आप पे मैं फिट करूंगा ना ला तरफा का तक नबी रसुल्ला से ऊंची किसी की आवाज नहीं होनी चाहिए या हमारे इमाम साहब तो यह फरमा गए जहां अबू बकर उमर रदील्लासम वो अपनी को बात नहीं कर सकते वहां आपके बाबे और बुजुर्ग क्या कर सकते हैं ये है इसमें से रिजल्ट पहली वाली गुस्ताखी तो शायद कोई मुसलमान ना करे लेकिन ये दूसरे वाली गुस्ताखी दुनिया के करोड़ों मुसलमान कर रहे हैं हम उन्हें चीख चीख के कहते हैं कि मरने से पहले अ मुसलमान कर ले इस पर गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और किताबों का दी और है बाबों का दीन और किताबों का नबी और है बाबों का नबी और यह मतलब नहीं कि वो नबी कोई डिफरेंट है उनका मानते इसी को ही है वो तो हिंदू भी इसी खुदा को मान रहे हैं लेकिन हमें हिंदुओं से क्या इख्तलाफ है उस तरह नहीं मान रहे जिस तरह अल्लाह ने कहा है मानने को ईसाई किसी और खुदा को मानते हैं लेकिन हम कहते हैं नहीं ईसाई तुम्हारा खुदा और हमारा खुदा और ये तो कुरान में भी है लकुम दीन उकुम वली है तुम्हारा दीन अलग है हमारा दीन अलग है इसलिए कि तुमने उन क्वालिटीज और सिफात के साथ नहीं माना जो अल्लाह खुद चाहता था अपने लिए इस तरह बाबों ने जो दीन दिया वो उन्होंने खुद बना के आपको दिया वरना किताबों से तो मैच करता तो जिन बाबों का दीन किताबों से मैच करे उनकी जूतियां हमारे सर का ताज और जिन बाबों का दीन हमारी किताबों के खिलाफ हो फिर हमारी जूतियां डैश 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 बिल्कुल सिर्फ इज्जत ही मेल करनी है दूसरों ने तो चुप के रख दो तो आप ती कम पाओ तो सी ना ये भी रिजल्ट निकलता है इसमें से तो ये मदनी जो रिजल्ट्स निकलते हैं ये तो मैंने साथ साथ बताने वरना तो मैं आज के दौर का कुरान ही नहीं पढ़ रहा आज मैंने अब्दुल्ला इब्ने उबई को एज ए हिस्ट्री तो डिस्कस करना है लेकिन आज के अब्दुल्ला इबन वही भी तो बताने हैं ना आज अगर मैंने हुसैन इबन अली की बात करनी है तो आज के जजीदों को भी तो नंगा करना है हमें तो उन जजीदों से खतरा है ना जो आज हम पे मुसलत है ठीक है तो ये अल्लाह फरमाया कि इनकी ये आदत थी वह रय बे अलसना तिम अपनी जुबानों को मरोड़ के रायना कहते हैं वह तायन फिदीन और दीन में ताना जनी करते हैं ये यहूदियों की आदत थी वलव अन्ना हम आय हाय हाय और अगर ये होता काश ऐसा होता कि उनकी रविश ये होती कालू सब वना हम सुनते हैं और अल्लाह के नबी आपकी ताहत इख्तियार करते हैं वस्मा और हमारी अर्ज सुनिए वंगजूरना और हम पर निगाहे कर्म फरमाइए लकाना खैर हम तो उनके लिए इसमें खैरियत होती अकवम और यही दुरुस्त बात होती वी कुफ्रीम लेकिन असल में इन पर लानत पड़ गई है इनके इनकार करने के सबब हाक से इनाद कर दिया अच्छा वो सूर्य निशाम में आगे चल के आएगा कि वो कहते थे हमारे दिलों पर तो गलाफ है हम इतने पक्के अपने कीदे कि नबी जो भी कहें हमने बात अपना कीदा नहीं छोड़ना इधर भी हम लोगों को बताते हैं नब कुरान में लिखा है बुखारी में लिखा है मुस्लिम में लिखा है कितने लोग कितने जिद्दी होते हैं कहते हैं तो बड़े पक्के अपने मसलक थे न असी इतने अपने पक्के कि जो मर्जी करो तुझे ऐसी नहीं माननी कहते हैं ना उस जमाने में यहूदी भी यही कहते थे तो अल्लाह ने फरमाया जो पक्का पक्का कह रहे हैं ना ये पक्के नहीं है लानत पड़ी हुई है इनके ऊपर और आज के लोगों पर भी लानत है जिनको हम कुरान और सुन्नत से बात बताते हैं वो कहते हैं नहीं हमने अपना फिर नहीं छोड़ना और वो ये खुश है कि हम छोड़ नहीं रहे असल में मलगून हुए हुए हैं फला फलाना इला कलीला इन में से बात नहीं मानेंगे ईमान नहीं लाएंगे सवाए चंद लोगों के तो अल्लाह जिसको दे देते तो देख ले सर अल्लाह का शुक्र है हमने अपनी जिंदगी में तब्दीली देखी है यह वो तब्दीली है जो नजर आई है कि बाप दादा जो है कब्रों के पुजारी थे और बेटे जो है वो पक्के मुवाहिद हैं बाप दादा जो है बुजुर्गों के तरीके पर नमाज पढ़ते थे औलाद आगे से कुरान और सुन्नत में जो इस्लाम का तरीका बुखारी मुस्लिम मैं उसके मुताबिक नमाज पढ़ रही है तो तब्दीली तो आई है यादीना ऊतुल किताब ए वो लोगों जिन्हें किताब दी गई यानी यहूद और नसारा अहले किताब आमिन मान लो बात ईमान ले बिमा नज मुसद्दा माकुम उस किताब को जो नाजिल हुई है और कोई ऐसी किताब नहीं है जो बिल्कुल अनोखी हो यह खुद तस्दीक करने वाली है जो तुम्हारे पास किताबें हैं उसकी चलो कोई अनोखी बात होती है तो यानी अल्लाह के इस्लाम अगर हजरत मूसा का या ईसा का इनकार कर देते फिर तो समझ आती थी कि यहूदियों और ईसाइयों को तकलीफ है जब इस्लाम खुद हजरत ईसा की और मूसा की तारीफें बयान करें और कुरान उनकी शान बयान करें हमारे नबीलाम का मुबारक नाम कुरान में आए पांच दफ़ा और हजरत ईसा का आए पच्चीस दफा अब क्या तकलीफ है ईसाइयों को हमारे नबीलाम का मुबारक नाम आए पांच दफ़ा चार दफ़ा मोहम्मद और एक दफ़ा अहमद और मूसम का तो नाम मुबारक एक सौ पच्चीस दफ़ा तो अब यहूदियों को क्या तकलीफ़ है तो अल्लाह तो कि कोई ऐसी किताब या ऐसे पैगंबर नहीं आए कि जो अनोखे हों ये ऐसे हैं कि जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करते हैं दो एतबार से क़ुरान ने नबीआई के जरिए यहूद न सारा की किताबों की तस्दीक कर दी इस एतबार से कि उन किताबों में मौजूद था कि आखिरी पैगंबर आएंगे अगर आखिरी पैगंबर ना आते तो वह किताबें झूठी पड़ जाती तो रसुल्ला का आना उन किताबों को सच्चा करता है कि उस किताब ने कहा था ना आखिरी नबी आएंगे ये आ आगे इस एतबार से तस्दीक कर दी कि वह बातें उनकी पेश गोईया प्रोफेसिस दुरुस्त थी और दूसरा इस एतबार से भी पेश गोई के एतबार से तो यह दुरुस्त हुई और इस एतबार से भी यह तस्दीक करने वाली है कि ये कुरान कहता है कि तोरात और इंजील भी अल्लाह की किताबें थी यह उनकी तस्दीक करता हुआ भी आया और उनकी प्रोफेसिस को पूरा करते हुए भी आया यह किताब और इस्लाम। तो अल्लाह तो मारा तो है कि जो तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद है किताबें उनकी तस्दीक करने वाली किताब है तो मुसद्दिमाकुम कबली इससे पहले कि हम तुम्हारे चेहरों को मस्क कर दें, देना और चेहरों को हम पीठ की तरफ फेर दें यानी क्यामत के दिन में कैसे ऐसे जिसको कहते हैं मन ही तोड़ दिया जाए तुम्हारा और चेहरा तुम्हारा मस्क कर दिया जाए व नल आयना हु कमाल आन्ना असहा बस अल आना हु कमाल असहा बस या फिर तुम पर लानत करें जिस तरह के तुम्हारे बुजुर्गों पर लानत की थी जो असहा सब्त थे हफ्ते के दिन के शिकार करने वाले उनका डिटेल जिक्र अराफ में आएगा कि हफ्ते के दिन के शिकार से मना किया गया हीला बारी भानों से वो और अल्लाह ने आजमाइश ऐसी की कि वो सारी मछलियां नजर भी, भी हफ्ते वाले दिन आती थी तो उन्होंने एडजेंट गड़े खोद लिए समुद्र के किनारे या अपनी उस समुद्री झील के किनारे तो जब मद्दोज़र की वजह से हफ्ते वाले दिन पानी चढ़ता था तो वो उन गढ़ों में फंस जाती थी मछलियाँ और जब पानी उतरता था तो इतवार को बड़े आराम से शिकार कर लेते तो कहते थे हमने हफ्ते को तो शिकार नहीं किया हालांकि वो यूं करके वो हीला तो कर रहे होते थे तो अल्लाह ने उनको बंदर और ख़न्जीर बना दिया वो आजा तेरा यूट्यूब पर क्लिप भी है इसके ऊपर यहूदियों पर अजाब क्यों आया उसमें मैंने वो वाक़ डिटेल्स है बताया उससे रिलेटेड अहादीस भी आज माननी कि मैं उसमें जाऊँ व इन शह जब सूरत अलराफ में वो हिस्सा आएगा तो हम डिस्कस करेंगे तो अल्लाह हमारा तो तो तुम चाहते हो कि उस तरह जिस तरह तुम्हारे बुजुर्गों पर लानत हुई तुम भी लानती बन जाओ वो तो लानती हुए थे ना लेकिन तुम्हें तो लानती नहीं बनना चाहिए अपने बुजुर्गों के पीछे चलते हुए तुम्हारे अंदर तो अल्लाह के पैगंबर आ गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर आज भी हम यही बात करते हैं कि अगर आपके बुजुर्गों को दीन का सही पता नहीं चला तो अब आपके पास कुरान बुखारी मुस्लिम तर्जमे के साथ आ चुकी है अब आप क्या बहाना करेंगे ये गोया अल्लाह और उसका रसूल ही आपके पास आए हुए हैं आज की डेट में अल्लाह रसूल एज ए पर्सनैलिटी तो नहीं आएंगे आपके पास किताबुल्लाह और सुन्नत है जो आप इस्लाम ने हजतुलविदा के मौका पर गदीरे खुम के मौका पर अल्लाह की किताब उसके नबी की सुन्नत और अह बैत यह आपके लिए छोड़े हैं आप उनको छोड़ के तो हर एक के साथ अटैच होने के लिए तैयार है वकान अमर उल्ला मफरूला और अल्लाह का हुक्म तो पूरा होकर ही रहता है यानी तुम जितनी मर्जी साशें कर दो जो अल्लाह ने डेस्टनी में तय कर दिया है कि हमने इस पैगंबर को गलबा देना है सल्लाम वो तो होकर रहेगा <स्क्राथा> <द्णाथा> अरसला बिल हुदा हुदा वही अल्लाह है जिसने नबीसलाम हुदा यानी हदायत की किताब यह कुरान और दीन हक के साथ मबूस किया ताकि तमाम अदियान पर इसे गालिब कर दे ख्वाब मशरक और काफिर इसका बुरा मान जाए, ये हो कर रहना है तो ये अल्लाह का जो अमर है ये पूरा होगा ताला। अब मेरे भाइयों जो ये आयत मुबारक आ रही है ना सूरत निसा की आयत नंबर फोर्टी एट मुतकाजी है कि हम बकिया सारी गुफ्तु इसी कॉन्टेक्स्ट में करें ये कुरान हकीम की अगर मैं कहूं ना सबसे क्रिटिकल आयत है तो मेरा यह दावा गलत नहीं होगा कायनात की सबसे बड़ी हकीकत को आश्कार करने वाली यह आयत मुबारक है तो यह मेरा दावा गलत नहीं होगा सूरत की आयत नंबर फोर्टी एट सूरत में दो दफा रिपीट हुई है थोड़े से अल्फाज के फर्क के साथ एक फोर्टी एट नंबर पर और इसके बाद वन सिक्सटीन के ऊपर जाके ये आयत आएगी शुरू के अल्फाज सेम है बाद वाले जो हैं वो थोड़ा सा फर्क है मैं वो दोनों आयात पढ़ देता हूं और इसके ऊपर फिर इन शाह तफसी डिस्कशन करते हैं पहले उस आयत मुबारक को हम पढ़ लें इन अल्लाह फिर युषरा का बिह बेश्लाह इस गुनाह को तो कभी माफ नहीं करेगा कि कोई शख्स इस हाल में अल्लाह के हजूर क्यामत के दिन पेश हुआ कि वह दुनिया में शिरक करता हुआ दुनिया में माफ कर देगा अगर किसी ने माफी मान ली आखिरत की बात हो रही है यग फिर इसके अलावा जितने भी गुना हैं जिसके लिए चाहेगा मुआफ कर देगा वो भी ओपन लेसेंस नहीं है जिसके लिए चाहेगा मुआफ कर देगा लेकिन उम्मीद है कि वो काबले मुआफी हैं लेकिन शिरक ऐसा गुना है जो अल्लाह भी मुआफ नहीं करेगा आपको कह के जी अल्लाह की ये कुदरत की नफी नहीं हो जाती इन आलाकुल्ली शो तो अल्लाह यह क्यों कह रहे कि मैं शिरक भी मुआफ़ नहीं करूँगा अल्लाह तो शिरक माफ कर सकता है हम यह जुमला भी नहीं बोलेंगे कि कर सकता है इसलिए ला तब्दील आली कलिमात अल्लाह जो अल्लाह की वईदे हैं ना वो अल्लाह के फैसले हैं ये बहुत सख्त मामला है अल्लाह के कलेमात नहीं बदलते तो अल्लाह तला ने यह अपनी डेस्टनी में चीज मुकर कर दी है कि मैंने मुशरक को किसी सूरत भी बख्शना नहीं है उसके लिए जन्नत नहीं है हां इसके अलावा कोई गुना है वो जिसके लिए चाहेगा मुआफ कर देगा और वो भी ओपन लेसेंस नहीं है और उसमें मैं आपको एक गुनाह के हवाले से बता दूं सुन नबी दाऊद में हदीस है नबी सल्लल्लाहु सल्हही वसल्लम ने फरमाया कि दो गुना ऐसे हैं जो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा बाकी हर गुना माफ कर देगा एक शिरक और दूसरा किसी मुमिन का कत्ले ना हक ये जो इसमें एक इशारा था ना कि इसके अलावा हर गुना चाहेगा जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा तो इसका क्या मतलब है जिसके लिए नहीं चाहेगा नहीं माफ करेगा तो इसमें भी इशारा मौजूद है कोई ऐसी चीज भी है कि जो अल्लाह तला जिसमें गिरफ्त कर सकता है और वह है कतल ना हक किसी मुमिन का तो अब मुझे बताएं जिन्होंने हुसैन इबन अली और उनके साथियों को नहक कत्ल किया वो किस उम्मीद पे बैठे हुए और उनको जन्नत की झूठी खुशखबरियां सुनाने वाले किस उम्मीद पे बैठे हुए सोचने वालों के लिए ये चीज काफी है नबी दाऊद की हदीस व मई युशरिक बिल्लाह और जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया फ़कद अफतरा तो उसने बहुत बड़ा झूठ अल्लाह के ऊपर बांध दिया बहुत बड़ा गुनाह का काम उसने किया जिसने शिर किया अच्छा सूर्य नसाग याद नंबर वन सिक्सटीन जब आएगी ना उसमें पहले अल्फाज तो यही होंगे इन यक फिर युशर कभी व यक फिर मादू यशा लेकिन अगले अल्फाज हैं वह मई युशर बिल्ला फ़कद वम बीदा

अब ये मेरे भाइयों ऐसा टॉपिक है कि मैं इस पर अगर कम अज कम दो घंटे बोलूँ ना तो तब मेरी तसली होगी लेकिन मैंने चूंकि पिछली कुरान क्लासेस जो थ्री फोर्टी फोर लेक्चर्स में मुकम्मल हुई थी उनमें इस आयत के ऊपर ऑलमोस्ट पौने दो घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी इसी आयत के ऊपर मसला नंबर थ्री के नाम से वो अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर दुआ सिर्फ अल्ला ही से आप यूट्यूब पर वैसे भी लिखे ना दुआ सिर्फ अल्लाह ही से और अली मिर्जा तो वह वीडियो खुल जाएगी और उसके बाद भी कई एक लेक्चर्स वक्तन वक्तन मैंने रिकॉर्ड करवाए वसीले के नाम पर धोखा मुझे तुमसे शिरक का खतरा नहीं ये अक्सर आप सुनते हैं ना तख्ते बिल्किस वाला वाक मूसा और खिजर वाला वाकया आलम हर वो चीज जिसे धोखा करके ना परस्ती या बाबा परस्ती या बबों से मांगना सिखाते हैं ना एक, एक चीज के ऊपर मैंने अलग से तसली करवाई है कुरान बुहारी और मुस्लिम की रोशनी में अहमद ला अब वो सारे लेक्चर जमा करें तो इस एक आयत पर कम अज कम दस घंटे गुफ्तगु हो सकती है लेकिन टाइम तो मुतहमल नहीं है कि हम इतनी डिटेल गुफ्तु करें लेकिन चांद एक बातें तो मैं जरूर करूंगा एक रिसर्च पेपर मैंने इसके ऊपर लिख दिया आठ सफों का आप अहल सुन्नत पाक डॉट कॉम पर डाउनलोड करेंगे दुआ सिर्फ अल्लाह ही से मैंने उसका नाम तोहहीद शिरक इस तरह का नहीं रखा क्योंकि लोग इन नामों से चिढ़ जाते हैं मैंने वो चीज उसके नाम पे रखी कि जिसके ऊपर लोग चिड़े ना आप किसी भी मुसलमान से ख्वाब रेलवी हो देवबंदी हो एहलेस हो अहले तशैय हो जाके पूछे कि दुआ किससे की जाती है तो क्या कहेगा अल्लाह से कोई आपको नखट्टू किस्म का भी बंदा यह नहीं कहेगा कि दुआ जो है वो किसी फरिश्ते से हो सकती है किसी जिन से हो सकती है किसी पैगंबर से हो सकती है नहीं जी नहीं नमाज तो अल्लाह दी पढ़ी दी है दुआ भी अल्लाह को मंगी है लेकिन हालत यह होगी कि वह दुआ अल्लाह से यह मांग रहा होगा नमाज में तो कुरान की वो आयत सूरतलफात की फोर नंबर आयत कम अज कम सत्रह रखते हैं जो फर्ज हैं रोजाना की उनमें सत्रह दफा पढ़ता होगा इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन अल्लाह इबादत भी सिर्फ करेंगे और मदद भी सिर्फ तुझी से मांगेंगे ये मदद कौन सी दुआ वाली गायब में किसी को पुकारना एक तो है आप सामने बैठे हैं ये तो कुरान में हुक्म है व तावन बिर्र व तकवा वल इतमी नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो बुराई में मत करो ये तो कुरान में हुक्म है मैं आपको कहता हूं तो मुझे पानी पिला दें आप मुझे पानी पिलाते हैं तो ये कुरान में हुक्म है कि आपने इसबाब इख्तियार करना है लेकिन आप बगदाद शरीफ में अजमाय अजमेर शरीफ में और वहां भी कबर में दफन है और आप मर चुके हैं आखरत की जिंदगी में जिंदा दुनिया की जिंदगी से निकल चुके हैं और मैं आपसे कहूं पानी पिला दें वही बात वही जुमला एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदलने से शिरक बन जाएगा क्योंकि आप गैर से दुआ मांग रहे हैं जहरी इस बात में तो आप काफिर से भी मदद मांग सकते हैं सही बुखारी में मौजूद है नबी इस्लाम जब फोत हुए तो आपकी जरा भी एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी गंदम के बस अनाज बस तो आपने यहूदी से भी मदद ली बार लोग कहते हैं जी इस्लाम ने खैबर पर मौला अली से मदद मांगी भाई मौला अली साहब ने मौजूद थे वो तो जितने साहब आपके साथ थे रसुल्ला के मददगार थे दीन के एतबार से लेकिन आपने खैबर के मौका पर अपने चचा को जो आर्मी चीफ थे गजबे बदर और ओहद में हमजा बिन अब्दुल मुतलिब जो कि अल्लाह के शेर हैं और सैदा हैं अल अलमस्त हाकम में हदीस मौजूद है आपने ये तो नहीं कहा अल मदद या हमजा अमीर हमजा मेरी मदद को पहुंचे क्योंकि वो फोत हो चुके थे जो सामने मौजूद थे उन्हीं को बुलाना था तो दो चीजों को ही मिक्स करते हैं अच्छा मुझे बताएं बारिश कौन बरसाता है अल्लाह ड्यूटी किसकी है फरिश्तों की तो हम क्या बारिश अल्लाह से मांगते हैं या फरिश्तों से अल्लाह से फरिश्तों से मांगेंगे तो शिरक हो जाएगा लिहाजा यह पता चला कि अगर ड्यूटियाँ भी लगी हुई हो कहते ना बुजुर्गों की ड्यूटियाँ ने इलादा गला ड्यूटी किसी को नहीं पूरी हुई जिस जिस मज़ार का कहें ना ड्यूटी है सारे चरसी पौडरी फीमी उसी मज़ार तक बैठे होंगे न अपने मज़ार के उ ड्यूटी नहीं पूरी हो रही उन्होंने को चले ड्यूटी लगी भी, भी हो फिर भी आप पुकार नहीं किसी को सकते यह झगड़ा नहीं है कि मौला अली मौलाम कुशा है या नहीं शेख अब्दुल अब्दुल्ला मुश्किल कुशा है या नहीं यह तो झगड़ा ही नहीं है झगड़ा यह है कि अगर यह हो भी तब भी मरने के बाद इस दुनिया की जिंदगी से जाने के बाद आप उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते ना किसी फरिश्ते से ना किसी जिन से ना किसी पैगंबर से और अगर आप जहरी इसबाब की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मुश्किल कुशा जाहिर इसबाब में इस कायनात में इंसानों के लिए सूरज है सूरज खत्म हो जाए सारे इंसान मर जाएंगे चाहे कोई बुजुर्ग है या गैर बुजुर्ग है चाहे मुसलमान है या काफिर है फारक सूरज खत्म जमीन अपनी नबतात नहीं पैदा कर सकती फोटो के जरिए जो करती है जब जमीन उगाना छोड़ देगी तो अगर आप जानवर भी खाएंगे तो कितना अरसा जिसने हमारे हुक्मरान हमें कहते हैं कि अगर टमाटर महंगे हैं तो दही डाल लो तो अगर जमीन उगाना छोड़ दे तो हम जानवर खाएंगे तो कितना अरसा मछलियां खाएंगे तो कितना अरसा वो भी सारी मर जाएंगी हमारे खाने से पहले ही दुनिया पे मौसमों का तब्दील होना हवाओं का चलना हर जिंदा चीज की खुराक ये एक सूरज के ऊपर डिपेंडेंट है तो फिर सबसे बड़ा मुश्किल कुशा कौन हुआ सूरज आज तक किसी काफिर ने भी कहा अल मदद या सूरज मेरी मदद फरमाइए हमें कभी वहम भी नहीं आता सूरज की बरकत से ही ग्लेशियर्स का पानी पिघल के दरियाओं में आता है जमीन के नीचे भी दरिया चलते हैं जमीन के ऊपर भी जिस पानी से हम लोग जिंदा हैं और वो ग्लेशियर्स तक पानी पहुंचना भी सूरज की वजह से है क्योंकि सूरज वैपोरेट करता है समुंदर के पानी को वो हवाओं और बादलों की शक्ल में हम पर बारिश की शक्ल में और पहाड़ों पे बर्फ की शक्ल में बरसती है वरना ये करोड़ों टन पानी अगर समुंदर से शिफ्ट करना पड़े उसका नमक निकाल के ग्लेशियर के ऊपर पूरी इंसानियत क्यामत तक भी लगी रही ये नहीं कर सकती जो कहते हैं जी खुद खुद हो रहा है और जो काम करने से ना हो वो खुद खुद कैसे हो सकता है जब तक आप उसके पीछे डिवाइन सोर्स ना मान लें गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनमिना इन दिस यूनिवर्स खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनमिना के पीछे वो डिवाइन सोर्स है ड्यूटी लगाई भी पंद्रह अरब साल से सूरज चल रहा है उस, उसमें फ्यूल कौन डाल रहा है उसे कान से पकड़ के कौन चला रहा है सूरज को खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा होगा लेकिन सूरज को हम क्या मुश्किल को शाम मानते हैं हालांकि सारी मुश्किलें हमारी वही हाल कर रहा है हम कहते हैं सबब है फिर भी नहीं पुकारते इतने बड़े सबब को आप पुकार नहीं रहे तो बाबे किधर से आ गए बाबे तो खुद आपके नजरानों पे चलते हैं खाना खा लें तो उन्हें टॉयलेट की जरूरत पड़ जाती है और जो कोई कहता है ना मैं समुंदर दरिया या जलजला रोक सकता हूं वो अपना पेशाब को रोक के बता दे नहीं वो पिछले दिनों एक इंडिया के वो मोहल्ला साहब की वीडियो भी अपलोड हुई थी ना कि शेख अब्दुल कादिर जनानी की मजलिस में एक वक्त के बहुत बड़े वली बैठे थे उस दौरान उन्हें पेशाब आ गया और शिद्दत सीधी थी तो रोक लेते ना इन्हें खुद मान लिया कि बुजुर्ग नहीं पेशाब रोक सकते और कहते अब्दुल कद जनानी ने एंड जनाब चादर सुट्टी उन्होंने जाकर डिग्गी तो फिर किसी मैदान पहुंच गए तो फारो हो गए वापस आए तो रोक लेंगे ना उसमें अल्फाज है वो कहते हैं वो बहुत बड़े वली उल्लाह थे पेशाब नहीं रुका नहीं रुक सकता सर ना इंसान बहुत कमजोर है खाना ना खाए जिंदा नहीं रह सकता मोहताज है सूरतुल मायदा की आयत नंबर 72 टू में आया ईसा और उनकी मां रोटी के मोहताज थे अगर ईसा उल उल आजम पैगंबर मोहताज है खाना खाने के और उनकी मां सारे बुजुर्गों से बड़ी बुजुर्ग वलिया मरियम बिनते इमरान वो रोटी की मोहताज है तो बाबों की क्या औकात है रोटी के मोहताज है और रोटी खा ले तो निकालने के मोहताज ना निकले तो फिर परेशानी सब कुछ अल्लाह कर रहा है तो मेरे भाई जब ये अल्लाह कर रहा है पुकारना अल्लाह को है इया का ना बुदू व इया का नस्ताइन ये हमारा मेन झगड़ा है शिरक के हवाले से हजारों बातें एक तरफ असल बात यह है कि असल शिरक हुआ है इया का नस्ताइन में इबादत की कोई शक्ल नमाज रोजा हज जक़ात नजर न्याज सब अल्लाह के लिए सब देते भी अल्लाह के लिए बस स्वाब की नीयत करते हैं वो छोटा मसला है ठीक है मैय की तरफ से साले स्वाब हो सकता है लेकिन इ्या का नस्तिन में मुसलमानों की अक्सरियत शेयर कर रही होती है अच्छा नमाज में नहीं करती नमाज में आज तक किसी ने या अली मदद या, या शेख अब्दुल जरानी मदद नहीं पढ़ा नमाज में क्या पढ़ते है इया का नाबदू वस्तान तो सर मौला अली भी नमाजों में अल्लाह को पुकारते थे नमाज के बाद भी अल्लाह को पुकारते थे मौला अली का मानने वाला वो होगा जो मौला अली की तरह अल्लाह ही को पुकारे धरना मोला हाली का मानने वाला तो वो ना हुआ तो ये आप देखें कितनी बड़ी ये जुर्रत का ये लोग काम कर रहे होते हैं हम जब समझाते हैं तो कहते हैं आप गुस्ताखी कर रहे हैं सर जब आप ईसाइयों को समझाते हैं ना कि हजरत ईसा इबन मरियम अल्लाह के बेटे नहीं है तो ईसाई भी यही समझते हैं आप हजरत ईसा की गुस्ताखी कर रहे हैं और कुरान में तो बहुत सख्त बात आई है सूरह अलमादा की आयत नंबर सेवनटीन में लकदीन कलू इन अल्लाह अबन मरियम बेशक वो लोग कुफर कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ईसा इबन मरियम ही अल्लाह हैं उसके बाद कितने सख्त अल्फाज हैं उल ए नबी तुम फरमाओ फम लिकुम इन अल्लाई आह का कोई क्या बिगाड़ लेगा इन अरा मसीहब न मरियम व उम व मनफिल अर्द जमी आ कि अगर अल्लाह इरादा करे कि ईसा इब मरियम और उनकी मां को और सारी मखलूक को हलाक कर दे अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ सकता है अच्छा शिरक किया ईसाइयों ने मिसाल दे दी ईसा इब मरियम की तोहद के लिए लिहाजा बाबों की मिसाल आएगी सर ईसा से बड़ा तो कोई बाबा नहीं है वह जीहन फि दुनिया व आखिरा व मिनल मुकर सूर्य आल इमरान आयत नंबर फोर्टी फाइव और पांच उलम पैगंबर जो सूरत में सूरह शूरा में आए मोहम्मद इब्राहिम मूसा नू असलम और ईसा उनमें से एक हैं ईसा बिने मरियम और अल्लाह फरमारा अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा अगर अल्लाह ईसा और उसकी मां और सब लोगों को हलाक कर दे व ला ही मुल्क उस बादशाहत तो आसमान और जमीन की अल्लाह की है वह वमां बेई हुमा और जो कुछ इसके दरमियान है उसका मालिक भी अल्लाह है यखलुकुमा य जो चाहता है पैदा करता है ईसा कभी उसने पैदा किया है या उसकी मखलूक है दैट जिस तरह और मखलूकत है वहकुल्ली शदीर और अल्लाह तर चीज के ऊपर कादिर है सर किस लेवल पर जाके आपको अल्लाह समझाए किस लेवल के ऊपर जाके हीद का मामला बहुत सेंसिटिव है मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूं शिरक इज मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह अल्लाह के हुजूर शिरक से ज्यादा कोई हसास मामला नहीं है इसलिए तो यह आयत आई है कि अल्लाह ने हर गुना माफ कर देना लेकिन यह माफ नहीं करना लेकिन सर एक खुशखबरी भी है सूरतुलफुरान की आयत नंबर सत्तर में आया है कि अगर कोई शिरक से दुनिया की जिंदगी में तोबा कर ले हम उसके गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे

सही मुस्लिम हदीस है और जामिया तिर में भी ए मेरे बंदे अगर तू इतने गुनाह कर ले कि आसमान तक पहुंच जाए और सिर्फ एक दफा मुझसे माफी मांग ले मैं तेरी तोबा कबूल कर लूंगा और ए मेरे बंदे अगर तू जमीनों आसमान गुनाहों के भर के क्यामत वाले दिन मेरे पास आया लेकिन तूने एक गुना ना किया हुआ और वो है मुझसे के साथ किसी को शरीक ठहराना तो मैं उस कदर मफफरत के साथ उससे मुलाकात कर लूंगा अगर तूने शिरक ना किया हुआ बस ये गारंटी देते एक तो मोटा मोटा शिरक है ना वैसे तो ख्वाहिश नफ्स को भी शिर कहा गया अफर आई तला हवा भला उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया वो भी छोटा शिरक तो है फजर के वक्त अजान की आवाज़ सुनकर मस्जिद में ना जाना और अपने नफ्स की पैरवी करना यह भी शिरकी एक फॉर्म है इसीलिए इब्राहिम को सबसे बड़ी जो डिग्री कुरान में अल्लाह ने दी है ना वो क्या है वहाँ का निनल मुशरिक वो मुशरक नहीं थे हा मना कहते है यार ये कौन सी डिग्री है मुशरक तो मैं भी नहीं हूँ ना सर ना इब्राहिम दी तो और मेरी तो वो हर तरह के शिक्क से आजाद हो चुके थे सर इससे बड़ी क्या बात होगी अल्लाह ने कुरने पाक में फरमाया कि सूरतुल्बकर में जब जब इब्राहिम को उसके रब ने आजमाया तब तब वो आजमाइश में पूरा उतरा और सूरत उन्नम में फरमाया इब्राहिम वो है जो हमसे वफा करने वाला है और सूर्य असाफात में आया कि हमने उसे इतनी बड़ी आजमाइश में डाला कि उसके बच्चे की कुर्बानी का उसे हुक्म दिया तो वह तैयार हो गया उसके लिए तो उन्होंने बेटे को भी अल्लाह के मुकाबले पर खड़े नहीं होने दिया इसलिए कहा गया वमा मा का ना मिनल मुशरिकीन ये कोई छोटी डिग्री नहीं बहुत बड़ी डिग्री है तो शिर का मामला बहुत सेंसिटिव है ये सही मुस्लिम की मैंने आपको हदीस बताई एक और हदीस है सही मुस्लिम के अंदर ही कि नबी इस्सम जब शब में राज गए तो अल्लाह ताला ने उनको तीन तोहफे दिए नंबर वन पांच नमाजें नंबर दो बकरा की आखिरी दो आयात आमन और रसूल और तीसरा यह कि मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो उम्मती शिरक नहीं करेगा ना मैं उसकी मफरत कर दूंगा क्या मत वाले दिन यानी एट द एंड ऑफ द डे अपना अजाब भुगतने के बाद ये नबील इस्लाम को गारंटी दी गई बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है नबीलाम ने तीन दफा फरमाया जानते हो सबसे बड़ा गुना कौन सा है जानते हो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है तो जानते हो सबसे बड़ा गुना कौन सा है साहब ने कहा यारस अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं आप फरमाया क्या मैं तुम्हें बता ना दूं तुम्हें बता बताना दू बताना दूं यारस बताए फरमाया अल्लाह के साथ शिरक करना और एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम की उसमें भी यही अल्फाज हैं लेकिन उसमें अल्फाज है कि तुम अल्लाह के साथ शिरक करते हो हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया है पैदा करने वाला और पैदा हुआ हुआ बराबर नहीं हो सकते सर अल्लाह ही है जो पैदा करने वाला है बाकी सब पैदा हुए हैं तो वो अल्लाह के मुकाबले पे कैसे आ सकते नेवर कभी नहीं आ सकते सही बुखारी और मुस्लिम में एक और हदीस है मुआजिब ने जबल कहते हैं कि मैं इस्लाम के पीछे एक दफ़ा सवारी पे गधे पे बैठा था आपके और मेरे दरमियान बस एक पालान की लकड़ी थी यानी इस्लाम ने अपने पीछे वो एक छोटी सी लकड़ी रखी हुई थी कमर को स्पोट देने के लिए अब वो ये नक्शा इसलिए खींच रहे थे अपना रसुल्ला से कुर्ब बताने के लिए कि मेरी खुश नसीबी है कि हजूर गधे पे बैठे हैं आगे और मेरे और नबी इस्लाम के दरमियान सिर्फ एक लकड़ी की वो पालान की डंडी है लकड़ी की सर आप ज़रा खुशनसीबी का लेवल देखें और इस्लाम सवारी पे मुझसे इशाद फरमाते हैं मुआज तो कहते हैं मैंने कहा यारसल्ला हाजिर हूँ हुक्म कीजिए फिर हजूर ने दूसरी दफा कहा मुआज फिर उन्होंने कहा यारसुल्ला मैं हाजिर हूँ तीसरी दफा भी इस तरह कहा फिर हजूर ने यानी ये इसलिए आप करते थे कि किसी को अटेंटिव करें कि मैं आपको बहुत बड़ी बात करने लगूं तो मैं मुआज जानते हो कि अल्लाह का अपने बंदों पर क्या हक हाँ है क्या रसुल्ला और उसका रसूल बेहतर जानते हैं फरमाया कि अल्लाह का अपने बंदों पर यह हक हाँ है कि वो सिर्फ उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए तो फिर नबी इस्लाम खामोश हो गए सवारी थोड़ी आगे गई फिर आपने कहा माज के यारसल्ला हाजर लब्बई का या रसूल अल्लाह ये अल्फाज हैं यारसोल्ला हाजिर हूं फिर कहा माज लबाई कह तीन दफा फिर जानते हो जो बंदा यह कर ले कि वह शिरक ना करे और अल्लाह के की ही इबादत करे उस बंदे का अपने रब पे क्या हक है हाय 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 फिर बंदे का क्या हक हो सकता है बंदे की क्या औकात है लेकिन अल्लाह ने इंसान को यह इज्जत दी है कि जो शिरक नहीं करता और सिर्फ उसकी बात करता है वो फिर अल्लाह पे हक रखता है कि ऐसे बंदे को अल्लाह अजाब ना दे और क्यामत वाले दिन बख्श दे ये है उस बंदे का हक अपने रब के ऊपर अल्लामी जन्नत आमीन।, आमीन।, आमीन ये उस बंदे का हक हो जाएगा सुन इबन माजा में और मुस्नद अहमद में हदीस है मुआज जबल कहते हैं यही मोज और अबूदरदा असहा में से वो कहते मेरे खलील ने मेरे जिगरी यार ने रसुल्ला के लिए वही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे मेरे खलील ने मुझे यह नसीहत की थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना खा तुम्हारे जिसम के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए या तुम्हें जिंदा आग में जला दिया जाए वो तैयार हो जाना लेकिन शिरक ना करना अच्छा मुसलमान बड़े कॉन्फिडेंट है वो कहते है, नहीं हम तो कोई कोई भी शिरक नहीं करता शिरक मुक गया जी वो मेरी वीडियो देखो मुके है एक आके हिंदू पे सजदे कर देने अली अल्लाह जो शिया का एक ग्रोह है नुसैरिया शाम में वो कोई हिंदुओं में से निकला हुआ है शिया में से निकला है ना और सुनियों में से जो है फिरका कादियानियों का निकला है ये रसुल्ला के साथ शिरक नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने एक झूठी नबूत क्लेम कर दी है आसमान से तो नहीं नाजिल हुए यह पहले अनफी था ना मलामत कादयानी दाल तो अगर शिर खत्म हो चुका है तो ये कहां से टपक पड़े है? फिर तस्वुख में हलूलिया जो अल्लाह के लिए हलूल का अकीदा रखते हैं कशुल मजूब में अली बिन उस्मान हजेरी ने खुद लिखा है कि वो गुमराह लोग हैं जो कहते हैं अल्लाह हमारे अंदर आ जाता है तो ये शिरक कर रहे हैं तो शिरक अगर खत्म हुआ होता तो ये सब लोग वैसे ही लिखते रहे ये बहुत सेंसिटिव मामला है तो उसमें बुनियादी बात वही है व इन अच्छा हालांकि ये अल्लाह से मदद मांगना भी इबादत ही है लेकिन रसुल्ला ने और अल्लाह तला ने इसको अलग से मैंशन किया है अल्लाह ने तो किया ना इया का नाबुदू व्या का नस्त हालांकि नाबुदू में दुआ शामिल थी लेकिन अल्लाह को पता था ज्यादा शिर इसमें होना इसलिए मजीद उसको निखारते हुए ना अल्लादा कर दिया कि दुआ भी सिर्फ उसी से करनी है हो सकता है इबादत की वजह से लोग कहते हैं सीधे अल्लाह दी नमाज पढ़ने ना जी हम सब जाते हैं कि यार दुआ भी अल्लाह से करनी है तो कहते हैं नहीं नहीं तो है इबादत इबादत है लेकिन अल्लाह ने उसको अलग किया नस्ताइन और जाम तिरमजी में, में हदीस है नबी इस्लाम ने फरमाया दुआ दुआल इबादा दुआ ही इबादत है यानी इबादत की आला शक्ल क्या है दुआ ईया का नस्ताइन फिर आपने कहा कि अल्लाह भी तो कुरान में फरमाता है नबीलाम ने अपनी बात की दलील में कुरान की आयत पढ़ी सूर अल की जिसे सूर्य गाफिर भी कहते हैं आयत नंबर साठ सिक्सटी उदूनी अस्त लकुम ए मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा इन तकबिरून इबादती सैद खुलून जहन्नामा दाखरीन ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा बेशक जो लोग मुझसे दुआ करने में तकबर करते हैं और मुझसे नहीं मांगते मैं उन्हें जरीलो ख्वार करके दोजख में दाखिल करूंगा फरमा जिक्र हुआ कि मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा और उसी आयत में कह दिया कि जो मेरी इबादत से तकबर करते हैं उन्हें मैं ख़ार करूंगा यानी दुआ को खुद इबादत कहा अल्लाह ने और रूलम ने उसको मजदीद एक्सप्लेन कर दिया अपनी उस हदीस से अ दुआल इबादा और साथ ही आयत पढ़ दी अब आपको किस तरह और समझाए कि नबीस्म किस तरह कि खोल खोल के बातों को इर्शाद फरमाया करते थे तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है इसमें अभी मुझे बहुत सारी गुफ्तु और करनी है लेकिन अब टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है मैं इन शाला तला कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर अगली दफ़ा भी गुफ्तु करूँ और आपको कुछ अपने पर्सनल वाक़ भी इस हवाले से सुनाऊँ ताकि ये ये आयत मुतकाज़ी है कि इसको इस तरह अन छोड़ के ना जाया जाए ये इस दफ़ा तुमने तो गुफगू की है अगली दफ़ा भी कम अज़ कम मैं आधा घंटा इसके ऊपर ही लगाऊंगा क्योंकि पूरे क़ुरान से आपने जो चीज़ हासिल करनी है वो यही है मेन चीज इसीलिए बुहारी मुस्लिम ना कि सूरत और इखलास एक तिहाई कुरान के बराबर है क्यों कुरान का एक तिहाई तोहीद है सबसे ज्यादा आयात तोहीद के ऊपर है सबसे ज्यादा सेंसिटिव चीज जो है वो शिरके के से डिस्कस की गई है तो मैं अगली दफा इसी के ऊपर डिस्कशन करूंगा अभी इस गुप्त को यहीं पर छोड़ते हैं वरना अभी तो काफी सारी चीजें बयान करने वाली हैं से है जो हक बात मैंने कही अल्लाह हमारे दिलों में रासिक फरमाए और अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह हमारे दिलों से उसे महव कर दे यानी धो दे हमें किताबों सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए सुबह وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا